ऑप्शन नंबर थ्री है हमारे पास, अ पिक्चर फ्रेम इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 सेंटीमीटर वाइड, इट इज सराउंडेड इंटरनली यानी इनसाइड बाय अ मेटल बॉर्डर ऑफ 2.5 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड द एरिया ऑफ मेटल बॉर्डर ऑफ द फ्रेम। आपको जस्ट मेटल बॉर्डर का एरिया फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 11.2 यूनिट पेरीमीटर एंड एरिया आफाक सन सीरीज क्लास सिक्स मैथमेटिक्स। क्वेश्चन में हमारे पास 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लेंथ और विड्थ दी गई है और इंटरनली फ्रेम में बॉर्डर फिट हुआ हुआ है मेटल बॉर्डर जो कि 2.5 सेंटीमीटर का है, यानी 18 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ है और 12 सेंटीमीटर का इसकी विड्थ है, जबकि यहाँ पर एक बॉर्डर दिया हुआ है जो कि 2.5 सेंटीमीटर का है बॉर्डर। ओके, ये बॉर्डर है हमारे पास जो कि 2.5 सेंटीमीटर का बॉर्डर है हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर का बॉर्डर। ओके, 2.5 सेंटीमीटर का बॉर्डर इंटरनली, यानी एक्चुअली में हमको सिर्फ इंटरनल बॉर्डर का एरिया फाइंड आउट करना है, सिर्फ ये बॉर्डर का एरिया फाइंड आउट करना है। ओके, हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट लेंथ है, वो है 12 इंटरनली है, 12 सेंटीमीटर इंटरनली है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 2.5 और 2.5 को प्लस करने के बाद इसमें से माइनस करेंगे, दो दफ़ा आएगा ना, यहाँ का भी 2.5 यहाँ का भी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो यानी कि हम 5 सेंटीमीटर इसमें से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, ये हमारे पास लेंथ नहीं है, ये हमारे पास विड्थ है, तो ये 18 सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ है, 18 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 13 सेंटीमीटर और विड्थ है हमारे पास 12 सेंटीमीटर में से, फिर दोबारा 12 सेंटीमीटर में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ मेटल बॉर्डर क्या हमारे पास आएगा, एरिया ऑफ मेटल बॉर्डर, सिर्फ मेटल बॉर्डर का एरिया मालूम करना है हमको, क्योंकि लेंथ और विड्थ दोनों हमें पता चल गई है, 30 मल्टीप्लाई 7 91 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ मेटल बॉर्डर। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। शुक्रिया।